उसी की तरह ये सवाल है कि एक किलोग्राम की कीमत 3500 रुपए है, 35 रुपए है, पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद अगर जीरो जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक किलोग्राम चावल 35 रुपए का है, 5 किलोग्राम पूछा है, तो बस क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब भी इस तरह का सवाल हो बस यही करना है। तो ये देखिए 35 को किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 35 × 5, 5 5 25, मतलब 2 5 3 15, 15 2 17, और ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं भाई, 1 किलो 35 रुपए का, 2 किलो 70 का हुआ, 4 किलो 7 14 140 का हुआ, और 140 35 और जोड़ दिए तो ये हो जाएंगे 175, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, यूनिट ऑफ वेट, वेट माने वजन, वजन की यूनिट किलोग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है, ग्राम भी होती है, और मिलीग्राम भी होती है, एमजी, ठीक है, किलोग्राम को केजी कहते हैं, और बॉडी हाइट, ऊंचाई हाइट जो है सेंटीमीटर में भी नापी जाती है, मीटर में भी नापी जाती है, और फुट में भी, फीट में भी नापी जाती है, ठीक है। देखिए इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक सोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी का जरिया जो बेसिक चीज़ है और जो सबसे साफ सुथरा पानी माना जाता है वो यही है, रेन का पानी, बारिश का पानी, बेसिक सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। और जो कुएं की सफाई, प्यूरीफाइंग वेल कैसे करते थे, कुएं की सफाई में क्या, उसमें उसके लिए क्या डालते थे, पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल देते थे और कुआं साफ हो जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज बेस्ट फॉर वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए कौन सा पानी सही है, बेस्ट है तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में झाग ही नहीं निकलेगा तो सॉफ्ट वाटर हो गया, ठीक है। जो डिस्टिलेशन वाले मेथड में तो डिस्टिल वाटर ही लिख दिएगा, ठीक है, नॉलेज हो गई। देखिए ये भी बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाइट इज गिवन टू डायरिया पेशेंट, कोई पेशेंट के डायरिया हो जाता है, लूज मोशन जिसमें आने लगते हैं, तो उसको लिक्विड फूड दिया जाता है, खाली लिक्विड वाला पानी, कोई हार्ड फूड नहीं दिया जाता है, समोसा ये सब नहीं खाने लगे, तो पानी और ग्लूकोज टाइप चीज़ें, ग्लूकोज रह जाता है। अच्छा उस जर्म का क्या नाम है जो टाइफाइड फीवर करता है, तो सेल्मोनेला टाइफे, देखिए इसमें टाइफे, इसमें टाइफाइड में टाइफे है, तो वैसे यहाँ पे भी है। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ डी, आंसर इसका डी है, यानी कि ए बी बोथ, यानी कि टाइफाइड कॉलरा भी है और बैक्टीरिया एमीबिक डायरिया भी है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ये बस वैसे नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह सकते हैं वो याद आए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड, साउंड को किस में नापते हैं, डेसीबल, इसको शॉर्ट में डीबी कहते हैं, ठीक है। हर चीज़ को नाप, कपड़ा नापना मीटर में होता है ना, वज़न किलोग्राम में नापते हैं, इसीलिए साउंड जो है डेसीबल में नापा जाता है। इसी तरह जब कोयला जलता है कौन सी गैस निकलती है, विच गैस इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में CO2 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ठीक है, समझ आई बात। और इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, नवंबर 1986। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो अगर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लिखा हो, किस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, तो वो 5 जून आंसर लगाइएगा, 5 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आ सकता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो 5 जून, यह अलग है, वर्ल्ड प्रोटेक्शन डे एक्ट इसमें ये होगा, लेकिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCG वाला, कौन सी बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, तो एक ही इसमें तो गलत आंसर लिखा है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस, TB, क्या होना चाहिए, TB का फुल फॉर्म था ट्यूबरक्लोसिस, एक होता TV, इस TV का मतलब था टेलीविजन, जो घर में TV होता है वो, और इस TB का फुल फॉर्म होता ट्यूबरक्लोसिस, तो BCG वाले में TB होना था, BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में, तो B फॉर क्या हो जाएगा, बेसाइल या बेसले, और C फॉर कैलमेट, CALMETTE, और जी फॉर ग्वेरिन, GUERIN, ठीक है, याद रखिएगा, BACILLECALMETTE, ग्वेरिन, GUERIN, ग्वेरिन, ठीक है। तो TB से बचने के लिए दिया जाता है टीका। उसके बाद देखिए टेटनेस एक बीमारी होती है, टेटनेस बीमारी का मतलब ऐसी चीज़ होती है जैसे जंग लग गया आपके, कट गया कहीं जंग लगी हुई चीज़ से, तो इससे टेटनेस से इंसान मर भी जाता है, तो ATS और टेटवैक इंजेक्शन लगाया जाता है इससे बचने के लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, रेबीपर इंजेक्शन, रेबीज से जुड़ा हुआ है, कुत्ते काटने से क्या बीमारी होती है, रेबीज, RABIES, थोड़ा हुआ पेन है ये, RABIES, रेबीज, ठीक है। तो रेबीज इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है इंसान, ना पानी पिएगा, ना पानी से नहाएगा, ना कुछ, ठीक है। तो किसके काटने से, कुत्ते के काटने से, बाइट मीन्स काटना, तो डॉग के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है, ठीक है। गंदा पानी पिएंगे आप तो आपके कॉलरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये यारा टिक लगाएगा।
विच इज कॉल्ड बाय डिफिशिएंट आयरन, आयरन की कमी से, आयरन आयरन की कमी से अनेमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अच्छा बेरी बेरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो बी बी लिखा ना, बी से बेरी बेरी, अगर एक क्वेश्चन है कि बेरी बेरी की वजह विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। मरसमस क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन की कमी से मेरिस्मस हो जाता है, क्वाशियोकोर और मेरिस्मस दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो कैल्शियम की कमी है, ठीक है। कॉलरा विच बैक्टीरिया स्प्रेड्स कॉलरा, कॉलरा कौन फैलाता है, उस बैक्टीरिया नाम है वाइब्रियो कॉलरे, वाइब्रियो कॉलरे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट दोनों में काम आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट दोनों में। देखिए टेम्परेरी स्टिचिंग इज नोन एज बास्टिंग, ये आ सकता है, बास्टिंग माने जो थोड़े टाइम के लिए मतलब टेम्परेरी स्टिचिंग बस सिल दिया टेम्परेरी, ठीक है। गुड टेलरिंग के लिए कितनी तरह के सीजर्स होने चाहिए, कितनी स्कैचियाँ होना चाहिए, चार तरह की, ठीक है ठीक है। एक ये स्टिचिंग ऑफ क्लोथ यानी कि एट होम, घर पे अगर आप स्टिचिंग यानी सिलाई सिलती हैं तो उससे क्या बचता है, पैसे भी बचते हैं और टाइम भी बचता है और कपड़े भी बचते हैं ना, वरना उन लोग कपड़े बचा के रख लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर कटिंग द क्लोथ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मार्क ऑन, कपड़े काटने से पहले क्या चीज़ यूज़ होती है, मिल्टन चौक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन चौक यूज़ होती है, ठीक है। और फिर यही बात है सीविंग यानी सिलाई कढ़ाई, सीविंग माने सिलना, स्टिचिंग माने स्टिच माने कपड़े सिलना, ये भी होता है ना, सीविंग माने सिलना होता है, स्टिच माने बटन टाकना, ये सब, ठीक है। सीविंग एट होम इससे क्या होता है, टाइम बचता है, मनी बचती है, क्लोथ कपड़ा बचता है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से पेपर में इन तीनों में से एक आ सकता है 100%। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स खट्टी चीज़ों, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में होता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स आंवला है, आंवला खाया करिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। आंवले का मुरब्बा भी होता है। कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ, कैरेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन ए होता है, ये याद रखिए, कैरेट यानी गाजर में विटामिन ए होता है, आँखों की रोशनी सही होती है, जिसकी आँखें कमज़ोर हैं, गाजर रोज़ खाएं, गाजर का जूस पिए, धो के गाजर उसका जूस पिए तो बढ़िया है उसके लिए, ठीक है। विच विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर, कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल इन वाटर, तो विटामिन बी भी होता है, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए, ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो इसका सही आंसर है जो वाटर में सॉल्यूबल है तो उसका आंसर हो जाता है विटामिन बी, और विटामिन सी भी होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट हो तो विटामिन बी सी सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, और अगर यहाँ पे सॉल्यूबल इन वाटर ना पूछा तो फैट सॉल्यूबल यानी कि फैट में सॉल्यूबल है तो उस सॉल्यू बिल, ठीक है, फाइट में घुल जाते हैं, तो उसका आंसर होता है कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे फैट सॉल्यूबल है, और वाटर सॉल्यूबल याद रखिएगा, वाटर सॉल्यूबल पानी में जो घुल जाते हैं वो बी और सी होते हैं, ठीक है। अब देखिए विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, मिल्क मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, देखिए विटामिन ए भी मिलता है उसमें, सी भी मिलता है, डी भी मिलता है, और के नहीं मिलता है, तो के इसका आंसर नहीं है। अच्छा एक मिल्क के बारे में एक बात और पूछी जाती है, मिल्क क्या है, मिल्क कंप्लीट फूड है, इसमें सब कुछ होता है, कंप्लीट फूड है, कंप्लीट फूड है मिल्क, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक। अभी देखिए विटामिन सी वाला हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए विटामिन सी वाला यहाँ पे भी आया है, लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी देखिए यहाँ पे आंवला तो ऑप्शन में है नहीं, दाल है, नींबू है, मिल्क है, तुराई से, तो आपको ट्रिक पता है विटामिन सी हमेशा खट्टी चीज़ों में होगा, तो चावल तो खट्टे होते नहीं, ना ही दूध खट्टा होता है, ना ही दाल खट्टी होती है, खट्टा क्या होता है, नींबू, तो लेमन हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरह कॉमन सेंस वाली बातें याद रखिएगा। उसके बाद मेन एनर्जी गिविंग फूड आइटम इज, देखिए एनर्जी गिविंग फूड आइटम इज मतलब जो हमें एनर्जी देता है, तो प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग आइटम है, बॉडी बनती है इससे, बॉडी बिल्डअप होती है, विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है, बीमारियों से बचाता है, कार्बोहाइड्रेट वो है जो हमें एनर्जी देता है, तो एनर्जी देता है, और मिनरल हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते ही हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चैप्टर कोर्स में तो नहीं है लेकिन इतना कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें बताना ही पड़ रहा है, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन के हड्डियों, ह्यूमन की बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 बोन, और कितने जॉइंट्स होते हैं, अगर पूछा है कितने जॉइंट्स होते हैं तो 360 जॉइंट्स होते हैं, 360, ठीक है। और इतने कॉमन क्वेश्चन इसके चैप्टर में आ ले तो हमें बताना ही पड़ेंगे, भले ही आए ना लेकिन नॉलेज होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट मेक्स द बोन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बोन कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो कैल्शियम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिब्स आर देयर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24, 12 पेयर होते हैं या 24 कह सकते हैं, ठीक है। उसके किस चीज़ से हार्डनेस आती है बोन में, कैल्शियम से। और देखिए वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी पीछे होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पीछे यूं करके होती है ना, पीछे पीठ में। विच एलिमेंट स्ट्रेंथन द बोन्स,
बोन्स कैसे स्ट्रांग होती है कैल्शियम से। एल्बो यानी कि कोनी का जो जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट कहते हैं, यानी कि एल्बो एक तरफ न्यू आ सकती है लेकिन न्यू नहीं हो सकती, पीछे को नहीं मुड़ सकती, ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया। हाउ मेनी रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, कितनी हड्डियाँ पसलियाँ होती हैं, रिब्स माने पसलियाँ, ठीक है, कितनी होती हैं, 24 होती हैं। इमूवेबल जॉइंट कहाँ पर होता है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, स्कल, स्कल माने खोपड़ी में, और खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। फेस पे 14 हड्डियाँ होती हैं, 14 14 8 22 हो गए, टोटल 22 हड्डियाँ हमारे पूरे यहाँ फेस से लेकर खड़ सर तक, दिमाग तक, ऊपर तक, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों। देखिए फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर जब हो जाता है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो बोन्स आर ब्रोकन, इसका आंसर यार टिक लगाइएगा, कुछ नहीं है इसमें से, बोन्स आर ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए खपच्ची एक चीज़ होती है, जैसे कहीं भी हड्डियाँ टूटेंगी, हाथ की हड्डी टूटेगी तो एक कलाई है, ऊपर एक खपच्ची रखी जाएगी, नीचे एक खपच्ची रखी जाएगी, इससे जोड़ते हैं हड्डियों को। लेकिन सर अगर टूट गया यानी खोपड़ी, तो उसमें ये सब ऑपरेशन या इस तरह से अपना नहीं सकते, ठीक है। तो किसमें, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी खपच्ची इज़ नॉट यूज बोन फ्रैक्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कल यानी खोपड़ी, ठीक है। देखिए यह वाला क्वेश्चन तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आ सकता है ऑन विच। देखिए 4-5 सेट बनते हैं पेपर के, बहुत सारे सेट बनते हैं, अब आपको कौन सा मिले, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि इनमें से कोई सा भी पेपर सेट आपके पास पहुँचे तो वो आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाए जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हों, ठीक है। ऑन विच डे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, योगा इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 जून, याद कर लिए, मोदी जी ने स्टार्ट किया था 21 जून को, है ना, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून, याद कर लिए, याद कर लिए, याद कर लिए। विच ऑर्गन इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लीवर, सांस भाई हम रेस्पिरेटरी मतलब सांस में कौन कौन से, नाक से सांस लेते हैं, फेफड़े में जाती है हवा, और विंड पाइप, है ना, विंड पाइप ईसोफेगस को कहते हैं, गर्दन में होता है ना, बस लंग, लीवर नहीं होता, लीवर, लीवर को यकृत कहते हैं हिंदी में, ये भी याद रखिएगा, यकृत ये नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद लैरिंग्स को सिस्टम ऑफ साउंड यहाँ पे लिखा है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, कुछ गलत तो नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। लंग्स कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में, एब्डोमिन पेट को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स नॉर्मल मैन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में इंसान कितनी बार ब्रीथ करता है, तो 15 से 18 बार, टाइम्स मीन्स बार, 15 से 18 बार ब्रीथ करता है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स हम नॉर्मल ब्रीथ इन अ डे, इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यहाँ पूछा गया। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि एक मिनट में कितना बार उसका दिल धड़कता है, तो 72 टाइम्स पर मिनट, है ना, एक मिनट में 72 बार, है ना, आगे पीछे भी होता है थोड़ा बहुत, उस पर चल जाता है, लेकिन एवरेज ये रहता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड को कोई कौन सी गैस प्योरीफाई करती है, साफ करती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ लंग्स यानी फेफड़े ह्यूमन बॉडी में कितने, तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, दो ही फेफड़े होते हैं, 8-10 नहीं होते हैं।